प्यारे दोस्तों अस्सलाम काजी राशिद आपकी खिदमत में हाजिर है ये एक पेपर है पास्ट पेपर है तो वो आपके सामने मैं सॉल्व करूँगा तो पहला क्वेश्चन है एस्ट्रैक्ट नाउन ऑफ बिलीफ इज़ बिलीफ कायद आज़म मीन्स द मीनिंग ऑफ वर्ड कायद आज़म मीन्स ग्रेट लीडर कायद मीन्स लीडर आजम मीन्स ग्रेट द अपोज़िट वर्ड ऑफ़ एजुकेटेड इज़ एलिटरेट द अपोजिट वर्ड ऑफ एजुकेटेड इज़ अनएजुकेटेड द करेक्ट सेंटेंस इज़ शी राइट अ लेटर शी राइट अ लेटर ये रॉन्ग है क्योंकि ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ वर्ब के पीछे ई एस या एस लगता है तो यानी इधर एस नहीं लगा हुआ तो ये गलत है शी डिड नॉट राइट्स अ लेटर जब डिड नाट लगेगा तो राइट लगेगा राइट्स नहीं लगेगा यानी कि यह भी गलत है सी है शी राइट्स अ लेटर हाँ ये सही है क्यों अमामा इकबाल पास्ड हिज एम एन एटीन हंड्रेड नाइनटी नाइन पार एक्सीलेंस मीन्स बेस्ट ऑफ इट्स काइंड दिनानम ऑफ फ्राइटेंड इज़ अफ्रेड क्वेश्चन नंबर एट है डेश मेड द टी हू मेड द टी नंबर नाइन वन मस्ट डू वंस ड्यूटी जब वन लगा हुआ है तो वन के साथ वंस ई लगेगा विद फ्लाइंग कलर्स मीन्स ग्रेट सक्सेस ही इज़ अफ्रेड डेश डेथ अफ्रेड अपने साथ ऑफ लेता है तो अफ्रेड ऑफ डेथ होगा नंबर ट्वेल्व शी गेट्स अप अर्ली शी गेट्स अप अर्ली डेश द मॉर्निंग अर्ली इन द मॉर्निंग दिस बुक बिलोंग्स टू मी यहां टू तो लगेगा द नर्स लुक्स आफ्टर द पेशेंट आफ्टर लुक आफ्टर और उसके बाद है शी इज फिट डेश दिस जॉब यहां होगा फिट फॉर दिस जॉब मेक डैश द लास् मेकअप लास् आई डो नॉट डेश एक्सरसाइज डेली तो ये होगा आई डू नॉट टेक एक्सरसाइज डेली ही हैज बिन ही हैज बिन डैश सिंस मॉर्निंग ही हैज बिन राइटिंग सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन नंबर नाइनटीन हु विल डैश द काउ हु विल मिल्क द काउ नंबर ट्वेंटी आई वास डेश क्रिकेट आई वॉज वॉचिंग क्रिकेट नंबर ट्वेंटी वन नेवर ंगल डेश बेड पीपल नेवर मिंगल विद बेड पीपल नंबर ट्वेंटी टू आई हैव बिन स्टडिंग ही डेश लास्ट फोर ईयर्स इधर फार लगेगा या सिंस इधर सिंस लगेगा सिंस जब लास्ट लगा हुआ है तो हम सेंस इस्तेमाल करेंगे अगर लास्ट ना होता अगर इस तरह से सेंटेंस होता आई हैव है फॉर फोर इयर्स देन फॉर लगेगा अगर द uh, लास्ट लगा हुआ है तो फिर हम सेंस लगाएंगे उसके बाद करेक्ट मीनिंग ऑफ इंस्क्राइब्ड इज रिटन अ गुड समरी इज जनरली डेष ऑफ द ओरिजिनल पैसेज अ गुड समरी इज जनरली ड ऑफ द ओरिजनल पैसेज वन थर्ड ऑफ द ओरिजिनल पैसेज और दूसरा होता है अ गुड प्रेसी इज जनरली वन थर्ड ऑफ द ओरिजिनल पैसेज डेसी इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड फ्लावर कायद एजम वाज बॉर्न ऑन ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर एटीन हंड्रेड सेवेंटी सिक्स और उसके बाद है ट्वेंटी सेवन Question number twenty-seven. Desh was first president of Pakistan. Uh, Iskander Mirza was the first president of Pakistan. Allama Iqbal was born in Sialkot. Muslim League was formed in nineteen hundred six. Lahore Resolution is now called Pakistan Resolution. Question number thirty-one. First capital of Pakistan was Karachi. The first prime minister of Pakistan is. लियाकत अली खान क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाज़ फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर टू नेशन थैरी वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय सर सैयद अहमद खान क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव देश इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान उर्दू इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान नंबर थर्टी सिक्स national game of pakistan is hockey number 37 largest province of pakistan in terms of area is balochistan main source of water in pakistan is indus river the india is in the desh of pakistan east of pakistan और साउथ में क्या है सी है इन द साउथ ऑफ़ पाकिस्तान इज़ सी और क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन है द नेम ऑफ चेयरमैन सेनेट इज़ मोहम्मद सादिक संजरानी तो गवर्नर ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान इज़ सैयद जहूर अहमद आगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री खीरथर नेशनल पार्क इज़ इन द प्राविंस ऑफ सिंध द ओल्ड नेम ऑफ हैदराबाद इज़ नेहरून कोट मिट्टी इज द डिस्ट्रिक्टवाटर ऑफ थरपार्कर मिट्टी इज द डिस्ट्रिक्टड क्वाटर ऑफ थरपार्कर टोटल नंबर ऑफ प्लान इन आवर सोलर सिस्टम इज नाइन या एट पहले ये नाइन था अब प्लूटो निकल गया है तो अभी बनता है एट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट ऑफ द मास ऑफ सन कंसिस ऑफ हाइड्रोजन क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो गैस सूरज के सरफेस पे मौजूद है वो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन में रिएक्शन हो एल के हीलियम बनाते हैं तो इस तरह से सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है और उसके बाद हीलियम तो वहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चल रहा है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री द स्पीड ऑफ साउंड इज सिक्स हंड्रेड एट्टी माइल्स पर आवर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर द टेम्परेचर ऑफ सन्स फोटोस्फीयर इज अबाउट सिक्स थाउजेंड डिग्री सेंटीग्रेड क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव द आउटर सरफेस सरफेस ऑफ ऑफ सन Is called thermosphere. Question number sixty-six. Other name of vitamin C is ascorbic acid. Question number sixty-six. Other name of vitamin C is called ascorbic acid. Question number sixty-seven. Neutron was discovered by Chadwick. Question number sixty-eight. The origin of species by Means of natural selection was the work of Charles Darwin. Question number 69 Diesel engine was invented by Rudolf Diesel. Question number 70 Telescope was invented by Galileo. Question number 71 Telephone was invented by Alexander Graham Bell. Question number 72 is sugar is called sucrose uh, question number 73 when brake is applied quickly in a vehicle what happens the passenger falls forward question number 75 vitamin concerned with vision is vitamin a question number question number 76 ampere is the unit of flow of electric current और इलेक्ट्रिक करंट को हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट रेंगेज रेन गेज इज अ डिवाइस डेट मेजर्स रेन ये बारिश को मैयर करती है तो रेनगेज हम इससे हम आ, बारिश का म, आ, जो मैग्नीट्यूड है वो मालूम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन मॉडर्न केमिस्ट्री द फादर द फाउंडर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इज द थेरी ऑफ रिलेटिविटी वाज प्रेजेंटेड बाय अल्बर्ट आइनस्टाइन क्वेश्चन नंबर 81 वन है हॉली प्रॉफिट पीस पी अपान वाज बान इन फाइव हंड्रेड सेवेंटी वन तो कुछ लोग ये कहते हैं कि फाइव हंड्रेड सेवेंटी और कुछ बुक्स ये लिख रहे हैं कि फाइव हंड्रेड सेवेंटी वन बहरहाल इधर ऑप्शन फाइव हंड्रेड सेवेंटी वन है तो हम यही टिक करेंगे क्वेश्चन नंबर एटी टू Longest surah in Holy Quran is Surah Bakra. Question number eighty-three: The cave in which Holy Prophet had hidden along with Hazrat Abu Bakr was Cave surah Question number eighty-four: The first Muslim to give Azan was Hazrat Bilal Razzila Allah क्वेश्चन नंबर एटी फाइव आइडेंटिफाई द नाइन्थ मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर एंड दैट इज़ रमज़ान क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स द टोटल नंबर ऑफ सुराज इन होली क्रॉन इज द टोटल नंबर ऑफ सुराज इन होली क्रॉन इज वन फोर्टीन और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर एटी सेवन the only surah of holy quran they does not start with bismillah, bismillah and that is surah toba question number 88 the holy book of quran took days years for its complete revelation and it is 23 years ask question number 89 muslim woman entered war first time in the battle of the total number of muslims in the battle of badr was 313 the muslim muslims observe fasting in the month of ramadan question number 92 the obligation to pay zakat salam on holy prophet was said in surah ahzab क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री द नेम ऑफ सहाम इन टू कुरान इज़ हज़रत जैद बिन हारिस रज़ीला तला अन्य और क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर मशारफ़ ऑफ़ ज़कात सेट इन होली कुरान आर एट इन नंबर मसारिफ़ ऑफ़ जक़ात मीन्स द हेड्स ऑफ जक़ात इसका मकसद ये है कि जो ज़कात ले सकते हैं उनका नंबर कितना है वो कितने हैं वो आठ अकसाम हैं तो वो ज़क़़त ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव जहाद मीन्स टू इस्ट्राइव जहाद मीन्स टू इस्ट्राइव और उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सिक्स है ज़क़़त इज़ पेड डेश परसेंट ये तकरीबन ढाई परसेंट पे पे किया जाता है उसके बाद बेटल ऑफ एहज़ाब वाज फाट इन फिफ्थ हिजरा और उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन्टी एट है द ऑब्लिगेशन ऑफ़ वज़ू द ऑब्लीगे ऑफ वज़ू या एबलूशन आर फोर क्वेश्चन नंबर नाइन्टी नाइन द लेंथ ऑफ खंदक अराउंड मदीना वाज थ्री एंड हाफ माइल्स और एट क्वेश्चन नंबर हंड्रेड द रिसाइटेशन ऑफ सुरा इज़ कंपलसरी इन ईच नमाज वो कौन सी सुरा है वो मेरे ख़्याल में शुरह फातह है ऑप्शंस नहीं हैं इधर तो उसको समझ तो ये समझ नहीं आ रहा तो ये एक पेपर था जो मैंने आपकी ख़िदमत में पेश किया आपको ये बताता चलूँ कि जो पेपर टाउन ऑफिसर या म्यूनसपल ऑफ़िसर के पेपर आएंगे उसमें इस्लामियात और मैथमेटिक्स या आर्थमेटिक्स नहीं आएंगे तो फिर भी मैंने पढ़े हैं वो सारे क्वेश्चंस आप जो तैयारी करें वो बेशक इस्लाम को और अर्थ को छोड़ के करें कोई इशू नहीं क्योंकि यही क्वेश्चंस आएंगे जो उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है तो बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अल्लाह ने